दाल चावल तो सबकी पसंद है, छुट्टी नहीं होती जी अपने। हर घर में बनते भी हैं और स्ट्रीट फूड पे जगह जगह मिलते भी हैं। आज हम आपको नागन चौरंगी के 23 साल पुराने दाल चावल का रिव्यू करके बताएंगे कि भाई यहाँ पर दाल चावल कैसे मिल रहे हैं। मूंग की दाल से तैयार होती है ये दाल और उसके साथ चावल प्लस अचार और कबाब का कॉम्बिनेशन, ये सब मिलेगा आपको आज के रिव्यू में। मार्केट में मिलने वाले दाल चावल के मुकाबले में कीमत थोड़ी सी ज्यादा है, मगर क्या पता जायका भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो। तो चेक करके बताते हैं कि भाई जायका यहाँ का कैसा है। अस्सलाम वालेकुम जी खवातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपका भाई अरसलान कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। भाई आज मैं आया हूँ एक और स्ट्रीट फूड की वीडियो के अंदर, और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भाई नागन चौरंगी पे मिलने वाले काफ़ी मशहूर दाल चावल, जहाँ पर भाई लोग काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, रश वगैरह फुल VIP लगा हुआ है। दाल चेक करेंगे कौन सी है, अचार वगैरह भी मिल रहा है यहाँ पर, तो फुल VIP हटो बच्चों वाला मॉल हुआ हुआ है यहाँ पर। चावल और दाल इसका कॉम्बिनेशन तो भाई बहुत पुराना है और काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। बहरहाल अभी चेक करते हैं कि भाई यहाँ वाले दाल चावल जो हैं वो किस तरीके के हैं, और टेस्ट वाइज क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज चेक करते हैं, लोकेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, प्राइस बताते हैं और फिर आप आखिर में रिव्यू बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम अंकल, कैसे खैरियत से? अल्लाह करम, अल्लाह की रहमत। अंकल माशाल्लाह रश तो काफी VIP लगा हुआ है, ये बताएं कि टाइमिंग क्या है कार्ड की? टाइम 10 बजे से लेके शाम मगरिब तक होता है भाई। अच्छा, सुबह 10 बजे दाल चावल मिलना शुरू हो जाता है? हाँ जी, अल्लाह की रहमत। और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं खाने? अल्हम्दुलिल्लाह चारों साइडों से आए जाते हैं, चारों साइडों से आए जाते हैं, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा ये बताया छुट्टी उट्टी तो किसी दिन नहीं होती? छुट्टी नहीं होती जी अपने। अच्छा पूरा हफ्ते दाल चावल मिलते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो प्लेट वगैरह क्या हिसाब है? 150 का प्लेट, 200 का प्लेट रेट भाई। 150-200 की प्लेट। और कबाब का क्या रेट है? कबाब 40 रुपए का एक। कबाब 40 का भाई, बेहतरीन। अच्छा ये बताएं कि चावल कौन से वाले? चावल अच्छे बनस्पति है, बेहतरीन। और दाल 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 कौन सी? दाल मूंग मसूर की भाई। मूंग मसूर की, तो अचार के साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ है? अचार भी है, दही का रायता, प्याज भी है भाई, बेहतरीन। अच्छा कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर कार्ड लगाते हुए? मेरे ख्याल से 23 साल हो गए भाई। 23 साल से दाल चावल मिल रहा है, क्या बात है। जी चाचा हमारी बना दें यार एक प्लेट, ये कितनी 150 वाली बन रही है? हाँ जी 150 की है। चलें जी 150 वाली भाई ये प्लेट है, माशाल्लाह भाई जबरदस्त सफेद चावल, बड़े जबरदस्त लगे चावल चाचा, माशाल्लाह अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें भाई, ये आ गई दाल, सही है, और अब आएगा अचार। अचार कौन सा वाला है? ये शिमला मिर्च गाजर का अचार। शिमला मिर्च गाजर का अचार है, और ये साथ में रायता है स्पेशल। ये 150 वाली तैयार हो गई है प्लेट। ठीक है अच्छा भाई, 150 वाली प्लेट आ गई है हमारे पास। और सबसे पहले जरा प्लेट का ओवरव्यू चेक करते हैं कि 150 की क्वांटिटी के हिसाब से अमूमन दाल चावल जो है ना वो आपको शहर में 80 रुपये 100 रुपये की प्लेट मिल जाती है, और 120-130 की भी मिलती है। बट ये 150 वाली प्लेट है। अब ये चेक करते हैं कि भाई 150 में क्वालिटी हमें कैसी मिल रही है दाल चावल की, क्योंकि प्राइस के साथ क्वालिटी बहुत मैटर करती है। सबसे पहले अगर मैं आपको ओवरव्यू बताऊँ तो देखिए चावल की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, प्याज वाला रायता जी ने दिया है, और साथ में ये चेक करें आप अचार, तो ये गोभी और ये गाजर और शिमला मिर्च वाला अचार बनाया हुआ, गोभी नहीं है, शिमला मिर्च और गाजर वाला अचार है। और दाल जो है मूंग मसूर की बताइए। तो सबसे पहले भाई मैं दाल इनकी खाली चेक कर रहा हूँ, ये चेक करें, दाल अच्छी है, मिर्चें नहीं है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा घुटी हुई दाल है, हल्का सा काली मिर्च टाइप कुछ इस्तेमाल हुआ हो, तो एक जो एक अमूमन स्ट्रीट फूड के अंदर जो मैं दाल मिलती है ना वैसी, बट स्पाइसी नहीं है। तो अचार और रायते का गेम इसके अंदर ऑन होना चाहिए। और चावल अब चेक करते हैं, ये चेक करें अभी चावल की क्वांटिटी 150 के हिसाब से चावल बहुत अच्छा है, बड़ा है, खिला हुआ है, बहुत अच्छा चावल है, बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं है चावल। तो अब ये कि प्रॉपर ज़रा रायते के साथ चेक करते हैं, प्याज रायता दाल, ये अचार नहीं लिया मैंने अभी, रायते के साथ गेम उठ रहा है, बट ये कि वो वाला अभी जो एक कहते हैं ना कि बंदा खा के बोले आहा मज़ा आ गया, वो वाली फीलिंग नहीं आई अभी, अभी तक नहीं आई दाल चावल के अंदर मुझे। तो अब ये रायता और थोड़ा सा अचार और ये शिमला मिर्च, तो ये प्रॉपर मैंने एक बाइट बना ली, ये चेक कर रहे हैं, और थोड़ी सी दाल की क्वांटिटी जो है ना वो अब ज़्यादा लेते हैं, और अब चेक करते हैं, तो ये भरपूर पैकेज हो गया एक तरीके से भाई। ये स्ट्रीट फूड है तो लोग आते जाते रहते हैं, इस तरह का मामला चलता रहता है, बट एक ओवरऑल बैलेंस टेस्ट आया है, और अचार इनका थोड़ा स्पाइसी है, दाल में इतनी मिर्चें नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी मिर्च और स्पाइस खाना है
तो आप अचार ले लें, थोड़ा उसमें प्योर देसी अचार है और काफ़ी फ्रेश अचार है। अमूमन जो अचार मिलता है ना पुराना मिलता है, वो मज़ा नहीं होता अचार के अंदर। अभी अचार काफ़ी फ्रेश है, ऐसा लग रहा है जैसे ये आज ही बनाया है, जो खाने के बाद फीलिंग्स आ रही हैं। तो ओवरऑल जो है वो टेस्ट वाइज सही है, अच्छा है, बैलेंस है। अगर आप यहाँ से गुजरें तो ट्राई करिएगा, क्वालिटी वाइज अच्छा है, क्वान्टिटी वाइज भी सही है, टेस्ट वाइज जो है वो बस सोसो लगा मुझे। तो ये है कि भाई इंशाल्लाह किसी और स्ट्रीट फूड में आपको मिलेंगे, इसी तरह के स्ट्रीट फूड हम डिस्कवर करते रहते हैं। अगर आपको कोई और इस तरह के फूड कार्ट्स पता हो तो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि भाई हम जाके वो भी चेक करें, उसका भी रिव्यू दें। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को भी लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे फिर।